तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन मंत्री के रूप में, खादी ग्राम उद्योग मंत्री के रूप में, उत्तर प्रदेश में दो बार मंत्री रहा हूँ और उत्तराखंड बनने के बाद लगातार नारायण की बड़ी सरकार में मंत्री रहा, फिर विपक्ष का नेता रहा 7 से 12, फिर लगातार जैसे मुख्यमंत्री बदलते हैं उत्तराखंड में, अगर ऐसा देखा जाए तो 9 बार मैंने मंत्री पद के सफर उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, 7 बार विधायक रहा उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड। गढ़वाल विश्वविद्यालय में और आगरा विश्वविद्यालय में डिफेंस स्टडी का प्रोफेसर रहा, अब पेंसिल ले रहा हूँ इस समय यूनिवर्सिटी से, इस बार चुनाव नहीं था, 2022 में चुनाव नहीं था, सौभाग्य से माने। हाँ ये बात सही है कि जो देहरादून में जो मंत्री का आवास है, अकेला मैं ऐसा हूँ तो 20 साल मंत्री के आवास में रहा, लोग बदलते रहे लेकिन मैं वहीं रहा, क्योंकि कभी विपक्ष नेता बन गया तो कैबिनेट मंत्री का दर्जा था। आज मुझे बहुत अच्छा लगा माने खड़गे जी ने, राहुल जी ने, प्रियंका जी ने, माने मधुसूदन जी ने, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बाद एक बार महाराष्ट्र चुनाव था, गुजरात चुनाव था, सुरेश पचौर जी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला था, लेकिन बहुत लंबे समय के बाद प्रदेश के बाहर मुझे आपके प्रदेश में काम करना, आप खड़े करो जरूर है जो से आप ही थोड़ा चाहते हैं मुझे चिंता, क्योंकि हमारे राजू जी समय के समय का भी ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन राजू जी दुर्भाग्य है कि मैं मास्टर आर्मी हूँ यूनिवर्सिटी में, तो कोल्डिंग की रोटी खाता हूँ, यहाँ नेता हूँ तो नेता भी कोल्डिंग की रोटी खाता है, मास्टर भी कोल्डिंग की रोटी खाता है, तो नेताओं पे माए आ जाए और मास्टर पे माए आ जाए वो फिर छोड़ता ही, लेकिन क्षमा चाहता हूँ आपके इशारों का भी मैं सम्मान करता हूँ। जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है बांसवाड़ा पार्लियामेंट क्षेत्र की, भीलवाड़ा पार्लियामेंट क्षेत्र की, चित्तौड़ पार्लियामेंट क्षेत्र की, ज्वालावर पार्लियामेंट क्षेत्र की, कोटा पार्लियामेंट क्षेत्र की, राजसमंद पार्लियामेंट क्षेत्र की, तो जो भी पार्लियामेंट क्षेत्र के लोग हों वो नोट कर लें, और मैं अपना नंबर भी आपको दे रहा हूँ, इस क्षेत्र की पार्लियामेंट क्षेत्र के जो लोग हैं वैसे तो सभी भी नोट कर सकते हैं, 8979 66666 1777।